नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। लगभग 2 लाख वर्ग मीटर भूखंड निरस्त किया गया, तय वक्त में काम नहीं पूरा करने पर एक्शन। बिल्डर के 27 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की रकम जब्त, आवंटन की प्रक्रिया होगी जल्द दोबारा शुरू। नोएडा से खबर, सीईओ यमुना अथॉरिटी अरुणवीर सिंह की बड़ी कार्रवाई, 6 बिल्डरों के ग्रुप हाउसिंग भूखंड किए निरस्त, लगभग 2 लाख वर्ग मीटर भूखंड निरस्त किया गया, तय वक्त में काम नहीं पूरा करने पर एक्शन। लगभग 2 लाख वर्ग मीटर भूखंड निरस्त किया गया, तय वक्त में काम नहीं पूरा करने पर एक्शन। बिल्डर के 27 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त, आवंटन की प्रक्रिया होगी जल्द दोबारा शुरू। नोएडा से खबर, सीईओ यमुना अथॉरिटी अरुणवीर सिंह की बड़ी कार्रवाई, 6 बिल्डरों के ग्रुप हाउसिंग भूखंड किए गए निरस्त, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुनेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनेंद्र, बड़ी कार्रवाई की है यमुना अथॉरिटी ने? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। योगी सरकार 2.0 होने के बाद में लगातार नोएडा में बिल्डरों पे कार्रवाई चल रही है सरकार की, उसी संदर्भ में दूसरी कार्रवाई, दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले अभी कल की प्रोजेक्ट पे कार्रवाई हुई थी, जब इसमें 136 फ्लैट को सील किया गया था, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। और बिल्डरों को सरकार का सख्त निर्देश, एक तरीके से ये संकेत है कि अगर वो टाइम पे काम पूरा नहीं करेंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और अभी और भी बिल्डर बता रहे हैं रडार पे हैं, जिनके साथ भी ये ऐसी कार्रवाई हो सकती है मुनेंद्र? जी बिल्कुल, अभी तकरीबन 15 बिल्डर और उनकी लिस्ट में है, सूत्रों से खबर मिली है मुझे इसके बारे में, 15 बिल्डर्स पे अभी अगले एक हफ्ते के अंदर भी कार्रवाई हो सकती है। ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनेंद्र। तो आपको खबर बता रहे थे नोएडा से, जहां यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। लगभग 2 लाख वर्ग मीटर भूखंड निरस्त किया गया, बिल्डर के 27 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की रकम जब्त, आवंटन की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। नोएडा से खबर, सीईओ यमुना अथॉरिटी अरुणवीर सिंह की बड़ी कार्रवाई।